ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। सोशल मीडिया में एक स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा था। इस वीडियो में बारिश का पानी स्कूल में टपक रहा था। क्लासरूम की दीवारें छोटी होने पर दूसरी तरफ चल रहे क्लासरूम में पढ़ाई की आवाज़ें दूसरी तरफ के क्लासरूम में जाती थी, जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ाई होने में तकलीफ होती थी। इस वीडियो में एक शख्स स्कूल का एड्रेस भी बता रहा है, जो रीति बंदर का है। अब हम आपको वायरल हो रही वीडियो की स्कूल की तस्वीरें दिखाते हैं। उस बदहाल TMC स्कूल का वीडियो देखें जहां बच्चे पढ़ाई में काफ़ी परेशानियां उठा रहे हैं। ये स्कूल रीति बंदर प्रभाग क्रमांक 26 का है। रीति बंदर 1 में TMC का मराठी स्कूल है, जहां बारिश में छपरे से स्कूल में पानी टपक रहा है। वहीं इस स्कूल के निर्माण में मटेरियल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। स्कूल की छत की जगह पतरा लगाया गया है, जिसकी वजह से बारिश के वक्त काफ़ी आवाज़ आती है। वहीं जो क्लासरूम बनाए गए हैं, उस क्लासरूम की दीवारें काफ़ी छोटी होने पर दोनों तरफ के बच्चों की पढ़ाई की आवाज़ें एक दूसरे के क्लासरूम में जाती हैं, जिसकी वजह से टीचर को पढ़ाने में और बच्चों को पढ़ने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे स्कूल में पानी टपकता है, ऐसे में बच्चों को पढ़ाई के दौरान काफ़ी तकलीफ़ें हो रही हैं। बच्चों ने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाते हैं। क्या तकलीफ होती है आप लोगों को इस स्कूल में पढ़ाई के दौरान? बारिश गिरती है तो ऊपर से आवाज़ आती है तो पढ़ने को तकलीफ़ होती है। बाजू की क्लास में जो आधी आधी दीवार है तो उधर से आवाज़ आती है, और पानी पूरा नीचे तक आता है। ऊपर से पत्र से नीचे पानी गिरता है तो पूरा पानी भर जाता है। मैं कलवा मुमरा विधानसभा का उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शांताराम सोरगे आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे रेती बंदर परिसर अत्यंत मतलब गरीब लोगों का है, और यहाँ पे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो हमारे स्कूल में हमको बहुत सी तकलीफ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो बारिश गिरता है तो बारिश का पानी हमारे बदन पे गिरता है, हमारे जो पढ़ाई करते हैं वो बुक पे पड़ता है, तो हमको बहुत से मुसीबत करना पड़ता है, टेबल वगैरह पीछे खींचना पड़ता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो दीवार जो बना है वो आधा आधा है, तो बाजू के जो स्कूल में जो पढ़ाई वर्ग में कर रहा है वो इनको पता नहीं चलता है जो उसका शोर होता है या पढ़ा दे, तो ये बढ़ते हैं तो बाजू वाले को पता नहीं चलता है। ये सब तकलीफ मुझे मालूम पड़ी। यहाँ पे जो बहुत से दीवार को क्रैच गया है, बहुत से बारियाँ नहीं लगती है यहाँ पे। दूसरी बात, जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है उसने यहाँ पे जो सीमेंट भी वापरना चाहिए वो हिसाब से वो हल्का सीमेंट वापर रहा है, तो आपने देखा है। कितने साल पहले ये स्कूल बनाया गया? ये शिवसेना का माजी नगर सेवक था बालाजी काकड़े साहब, उनका निधि से ये काम हुआ है, और एक कॉन्ट्रैक्टर जो है रवि आमरे, वो तभी का फाइल पास है और उन्होंने ये काम करके दिया है, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई। इसमें भ्रष्टाचार 100% हुआ है, और इन दोनों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और स्वच्छ दूध का दूध पानी का पानी जब आएगा, जब इनके ऊपर इसका टेस्टिंग चेकिंग इंजीनियर के थ्रू से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब मैं बोलता हूँ तो इंजीनियर जो है भावेश पाटिल बोल के, इन्होंने भी ओके बोल के दिया है। इनके ऊपर भी आप जरा सा जरा आवाज़ उठाओ, क्योंकि यहाँ पे जो हम देखता हूँ तो आज ये जो पानी लीकेज हर एंगल में से हर स्क्रू में से पानी आ रहा है। स्लैब RCC स्लैब होना चाहिए, क्योंकि 8,500 लोग उसते हैं। आप थाना में इतने अच्छे अच्छे स्कूल बने तो इधर RCC बांधकाम क्यों नहीं हो रहा है? ये होना चाहिए, ये पतरा सीमेंट पतरा ये न करो, अच्छे इधर बच्चे भी पढ़ाई करेंगे। यही नहीं, गर्मी में भी पतरा होने की वजह से काफ़ी गर्मी होती है, उस दौरान क्लास में रहना मुश्किल हो जाता है। इस मराठी स्कूल में बच्चों को पढ़ने के दौरान काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल बारिश से बच्चे परेशान है, गर्मी में गर्म से यानी जो पतरा रखा गया है उससे बच्चों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। और कहीं ना कहीं इस इमारत के निर्माण में भी आरोप लगाया जा रहा है कि घटिया किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।